एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा मामा अर्थ का स्किन केयर हॉल। सो इस हॉल को मैं तीन पार्ट में, इस हॉल को नहीं एक्चुअली ये मामा अर्थ का प्रोडक्ट्स को जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँगी। सो सबसे जो पहला पार्ट है ये आप जो अभी देख रहे हैं मामा अर्थ का स्किन केयर हॉल, एंड देन सेकेंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका डिटेल्स रिव्यू, वन बाय वन आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, एंड देन पूरा स्किन केयर आप लोगों को करके दिखाऊँगी। सो आई थॉट कि ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड करूँ, तो आप लोग कैसे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो आई थिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको किस तरीके से देखना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को शॉर्टली मामा अर्थ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आई थिंक सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ शेयर कर रही हूँ तो मुझे इसका डिटेल्स में तो बताना ही चाहिए। तो मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, ये जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकल करते हैं। आप देखेंगे उनका सारे प्रोडक्ट्स में पीछे तरफ ये लिखा होगा, तो फिर चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सो सबसे जो पहला प्रोडक्ट मेरे पास है वो ही है मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विथ मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी फॉर अनइवन स्किन टोन। ये अनइवन स्किन टोन के लिए है, आपका ब्लेमिशेस को रिमूव करेगा, एंड इसमें जो क्वांटिटी है ये 30 ml है, एंड इसमें कोई भी मिनरल ऑयल एंड पराबेन नहीं है, और ये ऑल स्किन टाइप के ऊपर सूट करता है, एंड इसका जो प्राइस है वो है 449 rupees। और ये कुछ इस तरीके का पंप का पैकेजिंग में आता है, स्मेल इसका ठीक ठाक ही है, और बट इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से इसका क्वांटिटी बहुत ही कम है गाइस। और ये काम कर रहा है क्योंकि ये मेरी दीदी यूज़ कर रही है कुछ टाइम से, और मेरे फ्रेंड लोग भी ये यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछा था कि एक अच्छा क्रीम के बारे में, तो मैंने उनको ये वाला रेकमेंड किया था, तो उन्होंने बोला कि ये उनके ऊपर काम कर रहा है, तो इसलिए मेरी दीदी जब मुझे बोली कि क्या लेना है तो मैं उसको ये वाला बोली थी लेने के लिए। बहुत ही अच्छा क्रीम है, मतलब बिल्कुल भी आपका फेस में ऑयलीनेस फील नहीं करवाएगा, और स्किन को बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्टनेस फील देगा, और साथ ही ये आपको कुछ टाइम तक यूज़ करना है। आप अगर ऐसे बोलेंगे कि 15-20 दिन यूज़ कर लिए बोलेंगे कुछ तो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, बट आपको रोज से 3 महीना तो एटलीस्ट यूज़ करना ही है। एक चीज़ आपको 1-2 दिन में फ़र्क नहीं दिखेगा, आपको कुछ टाइम तक इसको यूज़ करना है तभी जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम विथ नियासिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट फॉर एक्ने मार्क्स एंड स्कार्स। इसमें भी कोई पराबेन एंड सिलिकॉन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सारे प्रोडक्ट्स इनका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं फॉर एक्ने प्रोन स्किन। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छे हैं, और इसमें जो क्वांटिटी है ये है 30 ml है, और ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है। इसका क्रीम भी इसी तरीके का पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं ये है इसका क्रीम का, और ये है सीरम, और ये जो सीरम है कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड इसका जो प्राइस है वो है 599 rupees। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है प्यूरिफाइड वाटर, नियासिनामाइड, ग्लिसरीन और जिंक PCA, और इस तरीके का कुछ इसमें प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे पीछे मेंशन हुआ होगा। तो ये इस तरीके का ड्रॉपर में दिया रहता है, और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल वाटर बेस्ड है, मतलब स्किन में यूं एब्जर्व हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। स्मेल इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग आपको स्मेल देगा ये, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा रहता है। ये मेरी दीदी उसके लिए परचेज की है, बट मैं भी इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ, बट आपको इसको मॉर्निंग एंड नाइट टाइम दो टाइम यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा सीरम है गाइस, मैं सभी का प्रोडक्ट्स लिंक आपको नीचे दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मामा अर्थ एलो टर्मरिक जेल विथ प्योर एलोवेरा एंड टर्मरिक फॉर स्किन एंड हेयर, और इसका रिव्यू तो ऑलरेडी मेरा चैनल पे अपलोडेड है, मैं आपको आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगी, आप देख सकते हैं जाके। इसमें कोई भी पराबेन एंड सिलिकॉन नहीं, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो कलर भी इसमें एडेड नहीं, आप देख सकते हैं। आप जो सोच रहे होंगे येलो कलर, येलो कलर इस वजह से है क्योंकि इसमें टर्मरिक है,
इसलिए। और ये कुछ इस तरीके का पंप का पैकेजिंग में आता है। इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़, और 399 रुपीज़ में आपको जो क्वांटिटी इसका मिलता है वो है 300 ml, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ममाद के प्रोडक्ट ममाद का वेबसाइट में भी आपको मिल जाएंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एक्वा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, सोडियम पीसीए, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, इस तरीके का इसमें इंग्रेडिएंट्स है। विटामिन ई, और ममाद ने न्यूली लॉन्च किया है इनका एलोवेरा जेल, एलोवेरा एंड विटामिन ई जेल, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई जस्ट लव दिस जेल। आप देख सकते हैं मेरा इतना ख़त्म हो गया है, 7 to 8 months हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैं स्पेशली एलोवेरा जेल नाइट टाइम मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ, और मैं इसको हेयर पे भी अप्लाई करती हूँ। आप काफ़ी सारे वीडियोस में भी मेरा देखे होंगे। और सोया आपको इसका फुल रिव्यू अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, इसके बारे में और कुछ बोलूँगी नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मामा टी ट्री फेस वॉश विथ टी ट्री एंड नीम फॉर एक्नी एंड पिंपल्स। इसका जो प्राइस है 249 रुपीज़, यही थोड़ा सस्ता मुझे लगा जितना भी प्रोडक्ट्स है मामाअर्थ का, यही मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये है एक्वा है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा जेल है, नीम लिप एक्सट्रैक्ट है, और लेवेंडर ऑयल है, टी ट्री ऑयल है। तो टी ट्री हमारा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन या फिर पिम्पल जिन लोग का होता है उन लोगों के लिए। और ये बिल्कुल जेल फॉर्म में आता है, थोड़ा सा निकल गया आप देख सकते हैं, बिल्कुल जेल फॉर्म में आता है। तो इस तरीके का फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं की हूँ एक बार भी, मेरी दीदी यूज़ करती है, तो मैं जब यूज़ करूँगी आप तो देखेंगे, मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ दिस ममाअर्थ फेस स्क्रब, उपटन फेस स्क्रब। दिस इज़ एन अमेजिंग स्क्रब विथ टर्मरिक एंड वॉलनट फॉर टैन रिमूवल। अगर आपका टैन हो जाता है बहुत जल्दी तो आप ये वाला स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। मुझे टैन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली समर में। इसका जो प्राइस है वो है 349 रुपीज़। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये है एक्वा है, इसमें ग्लिसरीन है, और कैरेट सीड ऑयल है, और टर्मरिक पाउडर है, ऑरेंज ऑयल है, इस तरीके का इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। और गाइस दिस स्क्रब इज़ अमेजिंग, और इसका स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपको आप अगर स्ट्रेस में होंगे इसको एक बार अप्लाई कर लेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाइस आप इसमें से कुछ ट्राई करें या ना करें, बट ये स्क्रब आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिए। आप एक बार ट्राई करेंगे आपको सच में इसे प्यार हो जाएगा। और इसमें बहुत सारा वैरायटीज भी आते हैं, कोको स्क्रब और चाकल स्क्रब इस तरीके का कुछ है, तो आप देख सकते हैं, बट मुझे ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये था हमारा लास्ट प्रोडक्ट। ये था हमारा ममाअर्थ का हॉल। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है और वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइए, और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।